नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे वीडियो में कि बसंत पंचमी 2024 में कब है। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि ये माँ सरस्वती का महत्वपूर्ण दिन है। इसीलिए इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, इसीलिए हर साल इसी दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। अब मैं पंचांग के अनुसार अगर पंचमी तिथि कब शुरू होती है तो 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से शुरू होगी और इसके अगले दिन यानी 14 फरवरी को दोपहर 12:09 तक तिथि का समापन होगा। तो इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा और पूजा का अगर शुभ मुहूर्त जाने तो 14 फरवरी को सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस दिन सबसे ज़्यादा पीले रंग के वस्त्र धारण करने की विधान है और जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी लोगों को इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, पीले रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ माँ सरस्वती को पीले रंग की खीर या पीले चावल का भोग लगाना चाहिए। तो बसंत पंचमी का दिन खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन येलो कलर यानी पीले रंग का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। पीले रंग की मिठाई बनाने की परंपरा है, घरों में बूंदी के लड्डू भी खास तौर पर बनाए जाते हैं और साथ ही साथ पीले चावल के साथ साथ आप केसरी चावल, केसरी मिठाई, मूंग दाल का हलवा, पकौड़ा, कड़ी ये सब बनाकर और पीले चावल वाली खिचड़ी भी सबसे ज़्यादा उत्तम मानी गई है। लेकिन खास तौर पर बसंत पंचमी के दिन आपको भूलकर भी किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए तो मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ सरस्वती आपके ऊपर नाराज हो सकती है और जहाँ तक हो सके सात्विक भोजन का ही सेवन करें। इस दिन आपको किसी भी रूप से तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर की सुख समृद्धि छिन सकती है। तो ये थी जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।